नमस्कार, स्वागत है आपका डीफोकस में। मैं हूँ प्रियंका और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक मेला सा लग चुका है, जबकि कोरोना काल चल रहा है और गाइडलाइंस जारी करके कहा गया है कि मेला लगाने की अनुमति नहीं दी गई है। फिर भी ये बड़ा सा मेला लगाया गया है। हालांकि जो भक्तों की आस्था है वो खेला चंडी माता के लिए बहुत ऊपर की है और आस्था सभी लोगों के लिए, लेकिन सिर्फ मंदिर तक इसे सीमित रखने की बात कही गई थी, मंदिर में दर्शन करके जाने की बात कही गई थी। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेला सा लगा दिया गया और कितनी भीड़ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितनी भीड़ लगाई गई है और मेला में सभी लोग जो है आए हुए हैं। और मैं आपको बताऊं, और घना मेला लगा हुआ था लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग आए हैं और सभी बंद करा के लोगों को भेज रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सभी लोग जो है समेट रहे हैं अब अपने सामान और घर जा रहे हैं। ये बताऊं मैं आपको कि पुलिस प्रशासन यहाँ आई है, इतनी भीड़ देखा उन्होंने तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि इन सभी चीज़ों को हटा देना चाहिए और अब लोग जो है जो व्यवसाय चला रहे हैं वो लोग अपना जो है सामान पैक करके जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, लगातार गाइडलाइन जारी करके ये बताया गया है कि बिना मास्क के कहीं नहीं निकलना है, लेकिन आपको यहाँ पर कई लोग दिख रहे होंगे जो कि मास्क नहीं पहने हैं। कुछ लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आपको मास्क में बहुत कम लोग यहाँ पर नजर आएंगे। इसके अलावा कहा गया था कि मेला नहीं लगाया जाएगा, पूर्ण प्रतिबंध की गई थी मेला पर, चाहे किसी भी पर्यटन स्थल को खोलने पर। छोटी सी मंदिर थी, आस्था की बात थी, लोग आ रहे थे, लेकिन ये मेला, इस मेले की को पूरे तरह से प्रतिबंध किया गया था, नहीं लगाने की बात कही थी। लेकिन आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है पहली बात। और दूसरी बात अगर आप देखते हैं तो मेला लगाया गया है, मेला पे ही प्रतिबंध था, लेकिन यहाँ पर इतना घना मेला लगाया गया था कि पुलिस प्रशासन भी सोच पे लग गई कि आखिर किस तरीके से इसे हटाया जाए। फिर वो आई और सभी लोगों को हटाने का काम कर रही है और लोग जो है अपने सामान जो है पैक करके जा रहे हैं, जो व्यवसाय चला रहे थे वो लोग भी जा रहे हैं, लेकिन लोगों की भीड़ कम नहीं हो रही है और कुछ लोग अभी भी यहीं पर टिके हुए हैं, घर नहीं जा रहे अपने व्यवसाय को समेट के। पुलिस प्रशासन लगातार यहाँ खड़ी है। मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं, यहाँ पर आपको पुलिस प्रशासन के लोग नजर आ रहे होंगे जो कि लगातार हटाने का काम कर रहे हैं इस मेला को, लेकिन फिर भी जो कई लोग हैं इसे नहीं हटा रहे हैं और नहीं जा रहे हैं। और इस घने मेला में, इस कोरोना काल में लोग यहाँ पर एकदम भीड़ लगाकर खरीदारी कर रहे हैं, लोग जो है जो व्यवसाय चला रहे हैं वो आए हुए हैं, जबकि मेला पर मैं बार बार कह रही हूँ पूर्ण प्रतिबंध था। यहाँ देखिए आप, ये व्यवसाय चल रहा है, लोग किस तरह से भीड़ लगाए हुए हैं, बिना मास्क के लोग यहाँ पर भीड़ लगाए हुए हैं और ये मेला चल रहा है। इतनी घना मेला आपको कहीं अभी देखने को नहीं मिलेगा, जबकि कोरोना को लेकर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर आए हैं, अपने व्यवसाय चला रहे हैं। एक अलग बात होती है व्यवसाय चलाना, लेकिन मेला लगाकर व्यवसाय चलाना, इससे काफी नाराज दिखे पुलिस प्रशासन के लोग। हालांकि वो हमारे सामने आकर बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन मैं आपको बताऊं, जब मैंने उनसे बात की और मैंने उनसे पूछा कि आखिर ये घना मेला क्यों लगाया गया है, तो वो कहते हैं कि हम पेट्रोलिंग कर रहे थे और जब हमारी नजर पड़ी इस मेले पर तो हम तुरंत आकर इसे हटाने लगे। और आप ये चीज मंजर देख रहे होंगे कि कैसे लोग जो है सारे सभी सामान अपने समेट रहे हैं और मेला खाली कर रहे हैं। और अब ये मेला का अंत है, मेला अब नहीं लगाया जाएगा। जिस तरीके से सरकार ने प्रतिबंध लगाया है उस तरह से देखिए ये व्यवसाय करने वाले भी अपने जो है सामान समेट रहे और घर जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने इस घने मेले पर एक्शन करते हुए इसे बंद कराने का काम किया है। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं प्रियंका, डी फोकस।